हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं लेके आऊँ फिर से आपके लिए एक टिकटॉक का वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल, जो टिकटॉक पे तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस तरीके की वीडियो को लूप वीडियो बोला जाता है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला वीडियो। ये वीडियो जब टिकटॉक पर बार बार चलता रहेगा तो इसमें ज़्यादा वॉच टाइम अगर आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। तो गाइज, अभी तक आपका एक भी वीडियो वायरल नहीं हो तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि आप जब भी इस वीडियो को एडिट करके आप टिकटॉक पर अपलोड करोगे तो आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये वीडियो जब भी टिकटॉक पर बार बार चलता रहेगा तो इसमें ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, और ज़्यादा वॉच टाइम आने के कारण आपका वीडियो वायरल हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब गाइस, वीडियो को आपको दो पार्ट में शूट कर लेना होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको इस तरीके से जंप करके कैमरे के सामने आना होगा। जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पर दो बार टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो को उठाने का रिएक्शन करना होगा। इस तरीके से उठाकर आप उसी जगह पे यहाँ पे छोड़ने का एक्टिंग करोगे जहाँ पे आपने वीडियो को स्टार्ट किया था। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपका शूट हो जाएगा। उसके बाद में आपको सेकंड पार्ट को शूट कैसे करना है, तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को शूट किया था। इस तरीके से आपको 10 सेकंड तक सावधान पोजीशन में रहकर वीडियो को शूट कर लेना होगा, तो आपका वीडियो पे दोनों शूट हो जाएंगे। और गाइस, अब इस वीडियो को एडिट कैसे करना, तो आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन दिख रहा होगा सामने, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाना होगा और 9 to 16 में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा और जो आपने वीडियो को शूट किया था फर्स्ट वीडियो को उसको इसमें डाल देना होगा। तो मैंने इस वीडियो को डाल दिया। अब आपको जहाँ पर मैंने जंप किया था वहाँ से वीडियो को कट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे हवा में हूँ तो आपको वीडियो को यहाँ से कट करना होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना होगा। सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू लैपटॉप अपलोड कर देना होगा, तो आपको वीडियो यहाँ पे लेफ्ट साइड से कट जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे 2 या 3 सेकंड तक आगे आना होगा। जैसे आपने फर्स्ट कदम को यहाँ पे उठाया, वहाँ पे वीडियो को दो लेयर में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको सीजर पे चलना होगा और फिर से आपको यहाँ पे स्प्लिट डे अपलोड कर देना होगा, तो आपका वीडियो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आगे की तरफ चलना होगा जहाँ पे आपका वीडियो एंड होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस तरीके से अब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो को कट करना होगा, तो आपको यहाँ पे सीजर पे चलना होगा और इसको जो आखिरी पार्ट है यहाँ पे ट्रिम राइट टू अपलोड कर देना होगा, तो आपको यहाँ पे एंड से जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उस वो भी कट जाएगा। अब गाइस, आपको करना क्या होगा, जो आपने फर्स्ट में ये फर्स्ट वाली लेयर है इसको आपको यहाँ पे दबा कर रखना होगा और इसको पीछे की तरफ लेके आना होगा। इस तरह को यहाँ पे पीछे की तरफ मैं लेके आ गया हूँ। अब गाइस, आपको यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ चलना होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दो बार टैप करता हूँ, वहाँ पे क्या करना होगा, आपको लेयर में जाना होगा और यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद जो आपने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो को शूट किया था उसको इस पर डाल देना होगा। तो मेरा वीडियो मैंने इसमें डाल दिया। तो गाइस, इस तरह का मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसको कहाँ तक रखना होगा, जो आपकी फर्स्ट लेयर यहाँ पे खत्म होती है वहाँ तक इसको रख लेना होगा। तो यहाँ पे सीजर पे जाने के बाद आपको ट्रिम टू यहाँ पे राइट ऑफ कर देना होगा, तो आपका वीडियो राइट साइड से कट जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस ग्रीन स्क्रीन को हाइड करना होगा, यानी इसके जो बैकग्राउंड को हटा देना होगा। तो आपको यहाँ पे क्रोमिकी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना होगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर यहाँ पे हट जाएगा। इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट भी कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन को देख पा रही हो, यहाँ पे कलर को, इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्रीन कलर बिल्कुल हट जाएगा। उसके बाद में आपको जो ग्रीन कलर वाली लेयर है इस पर क्लिक करना होगा। इसको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन को जूम कर लीजिए, और आपको इसको जूम आउट करने के बाद फ़ोन पे रख देना होगा। जो आपका यहाँ पे ग्रीन कलर वाला वीडियो है इसको आपको इस फ़ोन के ऊपर रख देना होगा। इस तरीके से फ़ोन पे रखने के बाद आपको थोड़ा सा आगे की तरफ चलना होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करना होगा। स्लाइड करने के बाद आप जिसे यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो उस पर लेयर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे चलना होगा और आपको यहाँ पे जो की का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। प्लस के आइकन पे यहाँ पे टैप करना होगा, थोड़ा सा 2 सेकंड आगे चलना होगा। इस तरीके से आगे चलने के बाद आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा। इस तरीके बड़ा करने के बाद आपको फिर से 2 सेकंड आगे चलना होगा वीडियो को, और जैसे मेरा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पे जो आपकी लेयर है ग्रीन कलर वाली इसको आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से आपको हाथों के नीचे की तरफ रखना होगा, जैसे अभी यहाँ पे लगना चाहिए कि आप इस वीडियो को आपको हाथों से उठाकर आप उसी जगह पे वापस फेंक रहे हो। इस तरीके से आपको वीडियो को यहाँ पे करना होगा, तो आपको फिर से यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, और आपकी जो ये फोटो दिख रही है इसको उठाकर आपको उसी हाथों के नीचे की तरफ रख लेना होगा, जैसे यहाँ पे लगना चाहिए कि मैं हाथ से इस फोटो को पकड़ के उसी जगह पे फेंक रहा हूँ। तो फिर से आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाने के बाद आपको उसी जगह पे लेके जाना होगा। तो इस जगह पे लेके जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड तक लेके आना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे हाथ को इस तरीके से छोड़ने का एक्टिंग किया, वहाँ से आपको वीडियो को इस तरीके से नीचे की तरफ रख देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो इस तरीके से बन जाएगा। इसमें साउंड ऐड कैसे करना है, तो आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा और मीडिया पे जाना होगा।
यहाँ पे मैं कैमरे के ऑप्शन पे जाता हूँ। मैंने इस वीडियो को यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब इस वीडियो को आपको ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करना, तो आपको सीजर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल ऑडियो का, इस पे क्लिक करते ही इस वीडियो का पे ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे देख पा रहे ऑडियो मिल चुका आपको। अब हमारे इस वीडियो का कुछ भी काम नहीं, तो हम इसको सिंपल डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका वीडियो परफेक्टली बन चुका है, आपको मैं चला कर दिखा देता हूँ। तो अगर हमारा वीडियो इस तरीके से बन जाएगा, आपको शेयर के उस पर जाना होगा और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा।